नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मॉनसून की पहली बारिश में ही दिल्ली की पोल खुल गई। 30 सालों का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। मिंटो ब्रिज सिर्फ 2 घंटों की बरसात में लबालब भर गया। बस डूब गई, ऑटो डूब गया, एक पिक वैन तो पूरी तरह डूब गई। वैन का ड्राइवर कुंदन सिंह भी डूब गया। सुबह उसकी लाश मिली, लाश फायर ब्रिगेड वालों को निकालनी पड़ी। डीटीसी बस के ड्राइवर और कंडक्टर की जान मुश्किल से बच पाई क्योंकि बस की ऊंचाई ज्यादा थी। छत पर चढ़ गए, बच गए। ये शर्मनाक तस्वीर उस जगह की है जहां से संसद भवन की दूरी महज 6 किलोमीटर, मिंटो ब्रिज से आम आदमी पार्टी के दफ्तर की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर, बीजेपी दफ्तर की दूरी सिर्फ 800 मीटर, और तो और नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस इस ब्रिज से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर, कांग्रेस दफ्तर की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर। ये तस्वीर उस बदहाली का सबूत है जिसमें डूबकर एक शख्स की जान चली गई। अंडरपास में लबालब भरे पानी ने दिल्ली सरकार और नगर निगम पर बेइंतहा सवाल खड़े किए। ये कोई एक साल का किस्सा नहीं है, इससे पहले 1990 में, उसके बाद 2018 में और अब 2020 में। सिर्फ कैलेंडर की तारीख बदलती गई लेकिन मिंटो ब्रिज की हालत नहीं सुधरी। साफ है सरकारें भी बदलती रहीं, लेकिन अंडरपास में जमा होने वाले पानी के निकासी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। दिल्ली में कई मौजूदा मल्टीपल अथॉरिटी हैं। दिल्ली की देखरेख और ड्रेनेज सीवेज सिस्टम को देखना इनकी जिम्मेदारी। इसमें उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली सरकार शामिल है। लेकिन इनमें सहयोग का कितना अभाव। सिर्फ एक दिन की बारिश ने इसकी पोल खोल दी। नगर निगम में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। साल भर सियासत होती रही, नतीजा कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार में सुस्ती दिखाई दी। मॉनसून आने पर सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया जो हर साल होता है। काम या तो समय पर शुरू नहीं हो पाया, अगर समय पर शुरू हो जाए तो समय पर पूरा नहीं होता। साफ सफाई को लेकर कोई सख्ती नहीं बरती गई। नतीजा ये होता है कि नालियां और सीवर जाम हो जाते हैं। पर इतने बड़े हादसे के बाद क्या नींद खुलेगी? क्या अब सियासत से ऊपर उठकर सोचेंगे सियासी दल?